ईशान भाई, आप ज़्यादा करके कौन सी ब्रीडों में काम करते हो? अपना देखो ज़्यादातर बीटल, ओके, बेंटम, जिंग, ओके, बर्बरी, जो भी नस्ल चाहिए इंशाल्लाह सब मिल जाएगी। यानी अगर आप यानी होलसेलिंग करते हो? होलसेलिंग करते, बल्क में अगर रहेगा तो देंगे, या सिंगल में भी अगर किसी को चाहिए सिंगल डबल में तो इंशाल्लाह अपन अवेलेबल करा के दे देंगे। माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है ईशान भाई, जैसे कि आपने बताया, व्यूवर्स लोग भी आप देख सकते हो वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम अशफाक एंड यू आर वाचिंग टू इंडियन एनिमल अड्डा। तो आज माशाल्लाह हम ईशान भाई के इधर आए, पंजाबी, माशाल्लाह पंजाबी बीटल इसी को बोलते हैं क्या जी? ईशान भाई जी, तो ईशान भाई, ये ब्रीड की खास क्वालिटी क्या होती है, इसकी खास पहचान क्या होती है, इनको पहचाना कैसा जाता है, मतलब इसकी पहचान रहती है भाई इसका हाइट और इसका वजन, और ये पहचान जो रहती है इनकी वाइट आइज। अच्छा, इनकी वाइट आइज से इनकी पहचान होती है क्या? जी जी जी, माशाल्लाह ये तो बहुत बड़ी मुंडी भी इसकी माशाल्लाह। और ये रोमन नोज जो रहती है ना, ये पैरेट के टाइप जो रोमन नोज रहती है। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, हल्का सा पंच है चेहरे पे, गोलपन है, जैसे कि आप लोग को ज़्यादा करके नाकपनी में भी देखने को मिलता है। और अभी हम इसकी कद काठी वगैरह देख सकते हो दोस्त लोग, बहुत लंबाई है बकरे के अंदर माशाल्लाह। क्या डिटेल्स पे बोले थे ईशान भाई, ये परफेक्ट इसकी हाइट वगैरह क्या होगी और कितने दांतों पर होगा अभी ये हाइट का? भाई अभी तक मेजर नहीं किए, लेकिन 43 हाइट इसकी है, जैसा कि आपने भी देखे। हाँ माशाल्लाह, वो तो उसकी हाइट मैंने भी एक अंदाज़ा लगाया माशाल्लाह। और इसके दांत कवर कर सकते हैं क्या? दांत दिखा सकते हो ईशान? दांत दिखा सकते ना भाई, ये 8 दांत हैं जैसे कि दोस्त लोग आप देख सकते हो। हाँ माशाल्लाह, 8 दांत फ्रेश कर दिया है बकरे ने। हाँ, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बकरा है। और ईशान भाई, ये मतलब माशाल्लाह, ये बकरे के ऊपर ये असल में क्या भराई वगैरह का बकरा है क्या? नहीं 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 नहीं, ये मुंह से काके हुआ है बकरा। माशाल्लाह, क्या वजन पे होगा अंदाजन ईशान भाई? ये वजन तो इसका गिने नहीं, लेकिन अपना अंदाजा है कि 80 के आसपास है, 80 किलो के आसपास में होगा। हाँ माशाल्लाह, फ्रेम वगैरह तो काफ़ी बड़ी है ईशान भाई उसकी। तो ईशान भाई, थोड़ा बकरे को चला के बता सकते हो माशाल्लाह हमारे व्यूअर्स लोग के लिए? आप देख सकते हो व्यूवर्स लोग कि माशाल्लाह कितना लेंथ है वो बकरे के अंदर, बहुत लंबी चौड़ाई है माशाल्लाह बकरे की, हाइट वगैरह भी बहुत माशाल्लाह अच्छी है ईशान भाई। ये तो माशाल्लाह आपसे भी ऊपर चले गया भाई, आपकी हाइट कितनी होगी? मेरी हाइट भाई 5'9" से ऊपर, मतलब भाई ये बकरे की लगभग हाइट ऐसा देखा जाएगा तो 7-1 फीट हो गई होगी ना आराम से, ऐसा लंबा रहेगा। देखो दोस्तों, ये 7 फीट की हाइट लग रही है इसी लंबाई में जो खड़ा है बकरा, बहुत माशाल्लाह बड़ा बकरा है, बहुत बड़ी फ्रेम का भी है। तो ये भी फॉर सेल के लिए रहेगा क्या ईशान भाई? हाँ भाई दे देंगे, ये भी फॉर सेल रहेगा माशाल्लाह। तो ये नस्ल असल में आती कहाँ से ईशान भाई, इनकी मतलब ब्रीडिंग वगैरह, इनकी पैदाइश वगैरह कहाँ की है ये? ये भाई ये नस्ल है पंजाब की। पंजाब की ब्रीड है क्या? पंजाब की ब्रीड है, तो ये पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ पे भी इसकी नस्ल है अभी। हाँ, जो नागरा बीटल बोल के, ये नागरा बीटल ही है। अच्छा, इसी को नागरा बीटल बोलते हैं। इनकी मतलब कैसी पहचान कैसी होती है, क्योंकि ईशान भाई मैं भी अनजान हूँ नागरा बीटल से और नॉर्मल बीटल से, इन दोनों में फर्क क्या मतलब होती है? रेड कलर रहता, ओके, ब्लैक जो धारी दिख रहे आप, हाँ हाँ, जो कि हम लोग कलोरी कोटा के ऊपर भी देखने को मिलती है ना ये धारी। तो ये जो धारी होती है ये इनकी प्योरिटी होती है क्या? नागरा बीटल की, नागरा की पहचान रहती है माशाल्लाह। दोस्तों आप देख सकते हो बहुत अच्छी क्वालिटी का बकरा है। ये मामले में कैसे रहते ये सबको पता है। हाँ माशाल्लाह, मैंने देखा हो, मैंने पाकिस्तान की भी बहुत सी वीडियोस देखा हो जिनके अंदर बीटल की भराई वगैरह करते हैं, और माशाल्लाह ये बकरे के अंदर हर वो क्वालिटी दिख रही है भराई के लायक। तो माशाल्लाह इसकी फ्रेम वगैरह बहुत, बकरा बहुत ही अच्छी चौड़ाई का है, बहुत अच्छी कद काठी का है। मैं आपको नज़दीक से इसकी काठी बता देता हूँ,
जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे ना, आप बकरे के अंदर 0% फैट है। देखो ये फैट है ही नहीं माशाल्लाह। ये देखो ये बकरे के अंदर आप देख सकते हो माशाल्लाह, उसकी लटक रिंकल्स वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छे है। बकरे की झुरड़ी सीना वगैरह भी माशाल्लाह अच्छा है, पैर वगैरह भी माशाल्लाह अच्छे मजबूत है। तो जिशान भाई, इसको आपको मतलब इसका बेचने का रीज़न क्या होगा, इसको मतलब आप बेचना क्यों चाह रहे हैं, कुछ आइडिया वगैरह? भाई अपना ऐसा है कि भाई अगर कोई कस्टमर लगा तो देंगे, नहीं तो भाई अपन ने तो इसको शौक के हिसाब से लाए माशाल्लाह। रोज़ का अपना 4 घंटा तो इनके पीछे ही है माशाल्लाह माशाल्लाह। वाकई में मैं देख रहा हूँ जिशान भाई, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, जो कि भाई लोग अगर इसको अगर इससे पहले जिशान भाई ये बकरा मतलब इससे पहले भी कोई वीडियो वगैरह बनी है क्या इसकी? ये भाई जो अपने देखने वाले जो अपने सब्सक्राइबर है जी, जो जी, भी जानकार बकरे बाज है जी, उन जी, सब जी। लोगों ने इंशाल्लाह ये बकरा देखा होगा। हाँ माशाल्लाह, ये बकरा मैंने भी देखा हूँ, जाना अनजाना सा हूँ इस बकरे के बारे में देखा था। और दोस्तों आपको मैं एक बात बोलना ये चाहूँगा कि इस बकरे को अगर लेना हो तो जिशान भाई से पर्सनली कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि उन्होंने हमें इस बकरे के बारे में पर्सनली बोला है कि अगर इनका वीडियो हमारे चैनल पे माशाल्लाह अपलोड होता है और हमारी कोई लिंक इनके व्हाट्सएप के ऊपर डाल के इस बकरे की डिटेल्स लेता है तो उसको माशाल्लाह ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी के साथ मिलेगा। जहाँ तक के ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होगी जिशान भाई, वहाँ तक के बकरा ट्रांसपोर्ट करवा देंगे, सही है ना जिशान भाई? उसे ही माशाल्लाह ये जो खुराक शाम का खुराक है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुँह से ही कवर कर लेता है, खा लेता है। कितना दाना रहेगा इसका अंदाजन एक टाइम पर? 2-2.5 किलो जौ खा लेता है आसानी से माशाल्लाह, यानी बहुत आसानी से। दोस्तों जितना कि आप लोगों ने सुना कि भराई के एक बकरे को जितना भरना पड़ता है 2-2.5 किलो ही ऑलमोस्ट वो लोग दाने भरते हैं, तो माशाल्लाह ये मुँह से ही इतना खा लेता है। बकरी की फ्रेम वगैरह बहुत अच्छी है। हाँ इतना ही कि थोड़ा बकरा आप लोगों को कमज़ोर दिखेगा, मगर इंशाल्लाह भाई जिशान भाई का ये भी कहना है कि भाई ये बकरा तो अभी मैं सिर्फ शो के लिए अपलोड करवा रहा हूँ, और अगर कोई शौकीन भाई रहेगा ख़रीदने वाला अगर लेता है तो दे देंगे, नहीं तो फिर दोस्तों हमारे ही चैनल के ऊपर इंशाल्लाह इस बकरे को उनका मतलब दावा है कि 1 महीने के बाद में बताएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 1 महीने के बाद में यही बकरा अगर नहीं बिका तो 1 महीने के बाद में, जैसे कि जिशान भाई ने बोला कि 1 महीने के बाद तक अगर ये बकरा 1 महीने तक भी नहीं बिकता है तो माशाल्लाह वो ये बकरे के अंदर कुछ वेट के अंदर बहुत से चेंजेस लाने वाले, जो कि उसके शाइनिंग में भी बहुत से चेंजेस आ जाएंगे, जो कि उसकी हाइट में बहुत से चेंजेस आ जाएंगे। और इंशाल्लाह जिशान भाई एक और नगीना आपने संभाल के रखे तो माशाल्लाह वो नगीने की क्या डिटेल्स होगी और क्या बताना मतलब पसंद करोगे उसके बारे में, और वो भी फॉर सेल होगा क्या? वो भी फॉर सेल होगा, अभी ये बताएंगे अपन ये बकरे ये वीडियो के बारे में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और जो नए व्यूवर्स है वो जिशान भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनके टॉनिक्स के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हैं, जो कि हमारे जिशान भाई आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। जो नया फार्मर है जो नया सेलर है उनको अगर बकरे पसंद हो तो जिशान भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनके कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं। और फार्मिंग वगैरह के भी ऑर्डर वगैरह जिशान भाई लेते हैं। तो जिशान भाई आप ज़्यादा करके कौन सी ब्रीडों में काम करते हो? अपना देखो ज़्यादातर बीटल, ओके, बेंटम, जिंग, ओके, बर्बरी, जो भी नस्ल चाहिए इंशाल्लाह सब मिल जाएगी। यानी अगर आप यानी होलसेलिंग करते हो? होलसेलिंग करते बल्क में अगर रहेगा तो देंगे, या सिंगल में भी अगर किसी को चाहिए सिंगल डबल में तो इंशाल्लाह अपन अवेलेबल करा के दे देंगे माशाल्लाह। तो बहुत अच्छी बात है जिशान भाई, जैसे कि आपने बताया व्यूवर्स लोग भी आप देख सकते हो वीडियो के अंदर, माशाल्लाह बकरा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ही हेल्दी है और थोड़ा एग्रेसिव भी है दोस्तों, मगर उसको है ना छोड़ना बोले तो वो बहुत डर सा लग रहा है, क्योंकि वो उछली बहुत मार रहा है दीवारों के ऊपर माशाल्लाह। वाकई में जिशान भाई मैं देखकर बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी हाइट लगी है बकरी की, क्योंकि खड़ा हो गया तो वाकई में बहुत बहुत अच्छी खासी हाइट पर चले गया ये। इतना भी मतलब दोस्तों अभी इसकी हाइट भी माशाल्लाह एकदम नहीं क्या, ये अभी थोड़ा कमज़ोर टाइप में है करके आपको ऐसा लग रहा है, मगर जब ये बकरा उतरा हुआ है। हाँ मतलब कैसा असल में है ना दोस्तों, ये आकर इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ जिशान भाई के पास में, फिर भी माशाल्लाह वो इतना सेट हो गया मैंने, क्योंकि इसका एक वीडियो देखा था दोस्तों मैं, इंशाल्लाह जिशान भाई की अगर परमिशन रहेगी तो स्क्रीन के साइड में आपको मैं उसका वीडियो प्ले करके बताऊँगा। बहुत कमज़ोर हालत में 2 बकरे आए थे दोस्तों, उसमें से ये 1 बकरा है और माशाल्लाह अभी तो बहुत ही एक्टिव हो गया माशाल्लाह, है ना जिशान भाई? पहले से काफ़ी फ़र्क लग रहा होगा ना आपको भी? जी जी। तो जज़ाकअल्लाह खैर दोस्तों, हम इंशाल्लाह भी जिशान भाई का लास्ट पार्ट कवर करेंगे, जो कि ब्लैक कलर का बीटल है माशाल्लाह,
तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियोस को ज़रूर देखना और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जज़ाकअल्लाह खैर जीशान भाई, आपका भी, आपने आपका वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका।